नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्टॉक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। अब ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो रीसेंट नहीं है, वो एक न्यूज आइटम नहीं है, लेकिन वो हाल में जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही है उसके कनेक्टेड है, और उसमें भी खास करके जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उन लोगों के साथ कनेक्टेड है। बांग्लादेश में एक काइंड ऑफ मूवमेंट चल रहा है, तो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सब कुछ अभी बता देंगे तो आप शायद वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे और शायद यहीं से बंद करके निकल जाए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश में हाल में जो गतिविधियां हो रही है, जिस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट हुआ, एक इस्लामिक रेडिकल माहौल जो वहां पर खड़ा हुआ है, जिसके चलते वहां पर हिंदुओं को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांव टारगेट किया जा रहा है, पूरी की पूरी बस्तियां जलाई जा रही हैं, कई सारे लोगों को मार दिया गया है। तो उसी के चलते पूरी दुनिया, सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में से जितने भी हिंदू है वो ज्यादातर सड़क पर आ गए हैं, और उन लोगों ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी सारे ट्रेंड्स कॉन्स्टेंट अभी भी चल रहे हैं। तो ये घटना काफी ही हृदय विदारक है, काफी ही पेनफुल है। तो उसके चलते भारत में जो हिंदू हैं उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन लोगों को वापस भारत में लाकर बसाया जाए। लेकिन जब बात करते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की, तो उन लोगों ने भी सड़क पर उतर उन लोगों के अगेंस्ट में जो टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर आवाज उठाना काफी लंबे समय से शुरू कर दिया। उन लोगों ने साथ ही में यह भी बताया कि वे लोग बांग्लादेश को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों की मातृभूमि है, उन लोगों की जन्मभूमि है, उन लोगों के जो वंशज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी भूमि है। तो उनकी बात भी सही है कि वे लोग उनकी धरती को छोड़ना नहीं चाहते, जहां पर उनके पूर्व सदियों से रह रहे थे, जिन्होंने वहां पर अपने मकान बनाए, जहां पर अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, जहां पर अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई, एक इमेज बनाई और लोगों के बीच एक कम्युनिटी बनाकर रहे। तो ऐसी जगह को छोड़कर जाना वे लोग नहीं चाहते हैं। तो कई सारे हिंदू, जैसे कि हम, इस बात का समर्थन करते हैं कि उन लोगों की जो मांग है वो जायज है और उन लोगों को वहां पर सुरक्षा देनी चाहिए। तो उसको लेकर एक सवाल उठ रहा है कि किस तरह से उन लोगों को वहां पर, जो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं बांग्लादेश में, उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। तो उसके लिए अलग अलग जगहों से अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग सजेशंस निकल रहे हैं। उसमें से एक पर्टिकुलर सजेशन है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ स्ट्रिक्ट होकर एक्शंस लेने चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तब उस प्रकार की गतिविधियां भी डिप्लोमेटिक लेवल पर चल रही है। कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को न्यूज में पता नहीं चलती, हम लोग जब पढ़ते हैं उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो समझ में आता है कि भारत की सरकार ने, और सिर्फ भारत की सरकार ने ही नहीं बल्कि भारत के लोगों ने भी कई सारी ऐसी एक्टिविटीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी जोड़ दिया जाए। तो आने वाले समय में इकोनॉमिकल कोलैप्स भी वहां पर बांग्लादेश में होने वाला है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन उसी के साथ अगर बात करें बांग्लादेशी हिंदुओं की, तो पिछले कुछ समय से, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर मूवमेंट चल रहा है, जिस वे लोग बांग्लादेश का 1/3 जो रीजन है उस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें 6 अलग अलग ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए, तो सभी वेस्ट बंगाल के नजदीक में पड़ते हैं। अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आ जाता है खुलना, जैसोर, कुश्तिया, फरीदपुर, बारिसाल और पतावकाली। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उन लोगों ने अपने मैप में शेयर किए हैं। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये चीजें शेयर की, जिन्होंने इस चीज के ऊपर बात की, तो ये बात कुछ सालों पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है बांग्लादेश में, जिसमें वहां पर एक बांगा सेना, जैसे हमारे वहां पर BHP और बजरंग दल है, उसी तरह से वहां पर एक बांगा सेना करके है बांग्लादेश, जो हिंदुओं की एक सेना है, जो हिंदुओं का एक संगठन है। उन लोगों ने बांग्लादेश से एक अलग रीजन की मांग की है, जिस रीजन को वे लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये एक पर्टिकुलर रीजन है जो आप मैप में भी देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, जिसको वे लोग, ये जो बांगा सेना के लोग हैं जो कि हिंदू हैं,
वे लोग बांग्लादेश से अलग करके एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वहां पर कर रहे हैं। इसमें उन लोगों का जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकलकर सामने आया है अपार्ट फ्रॉम बांगा सेना इज गौड़िया वॉरियर्स। अब ये पर्टिकुलर गौड़िया वॉरियर्स कौन है, तो वहां पर बांग्लादेश का जो रीजन है और वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश का जो रीजन है वहां पर एक समय गौड़ेश्वर शशांक का राज हुआ करता था, वो भी एक हिंदू राजा थे, तो उनके नाम से ये गौड़िया वॉरियर्स बनाया गया है संभवतः। और वे लोग और साथ ही में बांगा सेना ये जो पर्टिकुलर रीजन है उसको बांग्लादेश से अलग कर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। तो अगर बात करें बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन लोगों को सुरक्षित रखने की, तो उन सभी से ये निवेदन किया जा सकता है कि वे लोग ये जो पर्टिकुलर रीजन दिया गया है जिसमें मेघना रिवर के इस साइड का जो पोर्शन है, वेस्ट बंगाल साइड का जो पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन वे लोग एक अलग हिंदू राष्ट्र के तौर पर मांग रहे हैं। तो हम लोगों को सभी भारतीयों को ये जो पर्टिकुलर बांग्ला सेना है उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। उन लोगों का ट्विटर अकाउंट है तो आप वहां जाकर उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में उनका एक यूट्यूब अकाउंट भी है जहां पर उन लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन ज्यादा कोई अपडेट्स वहां पर नहीं आते हैं। ट्विटर पर आप जाके जुड़ सकते हैं उन लोगों के साथ, और अगर हो सके तो अपना सपोर्ट उन लोगों को दिखा सकते हैं कि भले ही वो भारत के साथ जुड़ना ना चाहें लेकिन फिर भी वो एक अलग हिंदू राष्ट्र अगर चाहते हैं बांग्लादेश, तो उनको वो करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। और भारत से जितना भी सपोर्ट हो सके हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों को वो सपोर्ट दिया जाए ताकि उन लोगों के एक सेफ सिक्योर एरिया बनाया जा सके बांग्लादेश हिंदुओं के लिए जो एक अपना कल्चर लेकर जी रहे हैं। तो उन लोगों के अगर वो हिंदू राष्ट्र है तो वो जरूर बनना चाहिए, और उस प्रकार हम सभी भारतीयों को और पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू उन सभी उन लोगों को जिस तरह से भी सहाय कर सके वो सभी सहाय करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने का जो एक मसला है वो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, और इसकी मुहिम बहुत सालों पहले से ही बांग्लादेश में छिड़ी हुई है जहां पर वहां के ही बांग्लादेशी हिंदू ये डिमांड कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि बांग्लादेश से अलग एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और उसमें वे लोग सुरक्षित रह सकें, अपना जो कल्चर है अपनी जो संस्कृति उसको वो लोग आगे बढ़ा सके। तो ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी जो काफी सालों से कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, लेकिन ये एक छोटा सा अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आशा रखते हैं कि आप लोगों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर मुहिम के बारे में जो ज्यादा न्यूज में नहीं आई है, कुछ कुछ जगहों पर इधर उधर शेयर जरूर हुई है लेकिन ज्यादा उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है, लेकिन इनको क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक प्रकार के न्यूज और अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर मंगल।